पेट्रोइटिक मूवीज पार्ट टू, गुंजन सक्सेना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुंजन सक्सेना की जो मूवी है उसमें जानवी कपूर भूमिका निभा रही है एक ऐसी एयरफोर्स ऑफिसर की जो हमारी फर्स्ट एयरफोर्स ऑफिसर पायलट थी, उसके पूरे स्ट्रगल के बारे में। और ये पूरी बायोपिक गुंजन सक्सेना को लेकर है। ये एक ऐसी मस्ट वॉच पेट्रियोटिक फिल्म है जिसको आप कभी भी देखेंगे तो आप काफ़ी इमोशनल होंगे। एक जर्नी, एक पहली फीमेल इंडियन एयरफोर्स लेडी की जर्नी की किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का सफ़र उनके लिए रहा, किस तरीके से उन्होंने उसमें जीत हासिल करी और उनके जीवन में इंडियन एयरफोर्स का क्या मतलब था। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल ने कितने ज़्यादा बॉर्डर्स की लड़ाइयाँ अपने पायलट और अपनी दम के हासिल की। जानवी कपूर ने इसमें बेहद ही अच्छी एक्टिंग कर रखी है और इसी वजह से इस एक्टिंग को सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। नेटफ्लिक्स पर ये मूवी कब की रिलीज़ हो चुकी है। गुंजन सक्सेना एक ऐसी मस्ट वॉच पेट्रियोटिक फिल्म है जो आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये उसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि आपके फादर ने गुंजन सक्सेना में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी और उनके फादर ने उनको बे इंतहा सपोर्ट की वजह से गुंजन सक्सेना इतनी बड़ी इंडियन लेडी बनी और उन्होंने अपना इंडियन एयरफोर्स को सर्व करके हमारे देश को कितने ही वॉर से बचाया और हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये काफ़ी ही अच्छी मूवी है, आप इसे कभी भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिर बात की जाए नीरजा। नीरजा एक बायोपिक है जो खुद नीरजा बनोट पे बनाई गई थी जिसमें सोनम कपूर ने एक्ट किया है। ये एक ऐसे हाईजैक पैनम अटैक की ऊपर मूवी है जिसमें लोगों को बचाते बचाते खुद नीरजा ने अपनी लाइफ लोगों के लिए कुर्बान कर दी थी। सोनम कपूर को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। सोनम कपूर की एक्टिंग इस मूवी में काफ़ी दिलचस्प थी। इसमें उनका रोल एक बहुत ही अच्छा था। अगर आप एक पेट्रियोटिक फिल्म देखना चाहते हैं, एक इंडियन फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, तो ये नीरजा है। नीरजा को देखकर आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। इसका लास्ट एंडिंग बहुत ही दिलचस्प है और ये मूवी काफ़ी हार्ट टचिंग है। कैसे टेररिस्ट अटैक में हाईजैक हुआ प्लेन को लोग इतने सारे लोगों की जान बचाती है नीरजा बनोट, उन्हीं की बायोपिक में सोनम कपूर ने काम किया है और ये मूवी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप इसे कभी भी इरोस नाउ पे या फिर यूट्यूब पर देख सकते हैं। नीरजा हर टाइम पे अवेलेबल है। नीरजा एक बहुत ही और भरपूर मूवी है। इसके बाद बात करें तो जॉन इब्राहिम की फिल्म 2000 में आई थी बाटला हाउस। बाटला हाउस उस फेक इनकाउंटर को लेकर बनी गई थी जिसके बारे में लोगों ने बहुत बातें की थी। ये एक ऐसी सनसनी न्यूज़ थी जो हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल और एसीपी शिवनाथ ने एक ऐसा इनकाउंटर किया था जिसको बाद में फेक करार दिया गया था। बाटला हाउस उस स्ट्रगल को लेकर है जो एक पुलिस वाला करता है जब किसी को फेक इनकाउंटर के बारे में बोला जाता है और कितने पॉलिटिशियन उसके खिलाफ और उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमारे देश को बचाने में उन ऑफिसर्स का कितना बड़ा हाथ होता है, इस मूवी में उस चीज़ को, उस स्ट्रगल को सब कुछ बताया है। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है कि किस तरीके से पर्सनल लाइफ भी सफ़र करती है जब आप किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं जहाँ पर लोग आपको फेक इनकाउंटर के लिए जाने, वो इनकाउंटर फेक था या नहीं था, इसमें बाटला हाउस में पूरा अच्छे से बताया। जॉन इब्राहिम की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देख सकते हैं प्राइम पर। ये Amazon Prime पर अवेलेबल है। बाटला हाउस एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इंस्पायरिंग स्टोरी है एक ऐसे ऑफिसर की जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, कितने भी टेररिस्ट को मारना हो या कुछ भी करना हो, बाटला हाउस में वो सारी चीज़ें हैं। कैसे जॉन इब्राहिम बाटला हाउस में एक इंस्पेक्टर की टीम जाती है और एक इनकाउंटर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।